जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस बार भी कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं परिवारवाद के, ज्यादा जानकारी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये लिस्ट आई है, 144 लोगों की कैंडिडेट अभी घोषित किए हैं, उसमें परिवारवाद तो निकल के आ रहा है। किसी के पुत्र को टिकट मिली है या किसी की पत्नी को टिकट मिली है, कांग्रेस जो है परिवार से ही टिकट दी है, तो ये कहना तो फिलहाल गलत होगा कि कांग्रेस परिवारवाद को खत्म कर रही है, परिवारवाद से ही अभी निकले आई है। जी जी बिल्कुल संतोष, देखिए लिस्ट का सभी को इंतजार था, लेकिन लिस्ट इतनी देरी से आई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी कलह थी या फिर वो ऑपरेशन लोटस से घबरा रहे थे, क्या कुछ मतलब मध्य प्रदेश में क्या कुछ सरगर्मी नजर आ रही है, चुनावी माहौल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जो टिकट जो है काफी देर से आई है, जब बीजेपी की 4 सूचियां आ चुकी थी उसके बाद ये, लेकिन इसमें 144 सीटें जो है उनको घोषित किया गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही केंद्रीय केंद्र में भी बहुत मंथन चला, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ी मशक्कत और मैराथन बैठकों के बाद 144 सीट की घोषणा की गई। जी संतोष, कांग्रेस कब तक अपनी दूसरी लिस्ट निकाल सकती है, इसकी कोई जानकारी सामने आई? जी सूत्र बताते हैं कि ये दूसरी सूची 2-4 दिन के अंदर आने की संभावना जताई जा रही है, कि लगभग 20 तारीख के अंदर दूसरी सूची भी घोषित की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। जी ऐसा कहा जा रहा है। जी बीजेपी की क्या रणनीति नजर आ रही है मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, बीजेपी की रणनीति स्पष्ट है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व लगातार यहाँ रैलियां कर रहे हैं, आम सभाएं कर रहे हैं, और इसके पहले जन आशीर्वाद यात्रा जो बड़े जोर शोर से निकाली गई, जिसका आगाज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंडला से किया था। वहीं कांग्रेस की तरफ अगर देखें तो कांग्रेस के भी दिग्गज जो मध्य प्रदेश में आम सभाएं और रैलियां कर रहे हैं, अभी राहुल गांधी 10 तारीख को सीधी सिंगरौली में सभा का आयोजन किया था, वहीं प्रियंका गांधी ने मंडला में एक बड़ी सभा का आयोजन किया था। तो लगातार दोनों पार्टियां जो है अपनी चुनावी बिगुल बजा चुकी हैं, चुनावी तैयारियां और रैलियों में वोटरों को लुभाने का काम जारी है। जी संतोष, जनता का किस तरीके का रुख दिख रहा है, जनता किस तरीके का मन बनाती हुई मध्य प्रदेश में नजर आ रही है, क्योंकि देखिए लिस्ट भी जारी हो गई है अब कांग्रेस की और दूसरी लिस्ट का इंतजार है। बिल्कुल, माना जा रहा है कि अब लिस्ट जारी होने के बाद अब जो है चुनाव में सरगर्मी और तेज हो जाएगी, और जहां तक अभी जनता है तो जनता का जो मूड है अभी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा किस तरफ है। अब तरह तरह की योजनाएं जो है वो बीजेपी भी, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, सीखो कमाओ योजना, अन्य योजनाएं का प्रचार कर रही है। वही अभी मंडला जब प्रियंका गांधी आई थी तो वही उनका कहना है कि पढ़ो पढ़ाओ हम योजना लाएंगे, जिसमें बच्चों को 1,000 से लेके 1,500 तक की स्कॉलरशिप मंथली देने की बात कही थी, वही 500 रुपए गैस की बात भी कही है और बिजली फ्री करने की भी बात कही। तो ये दोनों पार्टियां अपना अपने दाव खेल रही है, अब देखने वाली बात होगी कि जनता का मूड किस पार्टी की तरफ जाता है। जी ठीक है संतोष, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहर जी देखिए जिस तरीके से अब ये पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन लिस्ट में इतनी देरी क्यों हुई है और दूसरी लिस्ट का भी इंतजार सभी को है, अंदरूनी कलह वजह रही या फिर ऑपरेशन लोटस से डरा जा रहा था, कांग्रेस को डर लग रहा था कहीं बीजेपी अपना ऑपरेशन लोटस न चला दे? देखिए कांग्रेस पार्टी को किसी से कोई डर नहीं लग रहा था, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता ने जो मानस बनाया है उससे घबरा कर परेशान होकर भाजपा ने अपने 7 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है। हमारे जो पितृपक्ष कल खत्म हुए हैं और आज नवरात्रि के पहले दिन 9:09 पर 144 सांसदों की 144 विधायकों की जो लिस्ट हमारे प्रत्याशी है उनकी जारी करी है, और 1-2 दिन में हम बचे हुए 84 विधायकों की भी 86 विधायकों की भी कर देंगे। हमको जल्दी इसलिए नहीं थी कि हम लोग ने जिनको लड़ाना था उनको पहले ही हिंट कर दिया था, हमारा जमीन पे पिछले 6 महीने से काम चल रहा है। अभी जो मध्य प्रदेश की 7 जगह से जन आक्रोश यात्रा थी जिसमें Route 3 में मैं भी शामिल था, लगभग 30 सीटों का जो जमीनीकरण था वो शायद हमको भोपाल में रह के पता नहीं चला, जब हम क्षेत्र में निकले और जनता के बीच गए तो अभी तक के इतिहास में मध्य प्रदेश के इतना ट्राइबल बोर्ड
ट्राइबल लेडी, ट्राइबल हमारे युवा इतने वोकल कभी नहीं हुए जिससे कि इस बार हमको देखने को मिला। उसकी वजह से ही कपाल पे मूत्र विसर्जन कराने वाली सरकार दोषियों को सजा नहीं देती है और उस मामले को छुपाने का काम करती है। आदिवासियों के बहन बेटियों पे अत्याचार, उनको जिंदा गाड़ दिया जाता, रेप कर दिया जाता है। ये सब आंकड़े हम नहीं, एनसीआरबी का डाटा बोलता है, मोदी जी के अंदर आता है ये एनसीआरबी, और इसमें बताते हैं कि पिछले 3 सालों में मध्य प्रदेश में 35% ओबीसी और एससी एसटी पे अत्याचार बढ़े हैं। करप्शन की बात करें तो 50% का जो मॉडल है वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों तक पहुंचा है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है और इसको यहाँ से हटाना भगाना है, वो मानस बन गया है। तो इसलिए हम जर्ली में नहीं थे, हम लोग को सरकार बनानी थी, हमने सही जगह सही टाइम पे सही मुहूर्त में सारी चीज कर रही। अगले एक दो दिन में आप देखेंगे कि वो नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे, लगभग वो भी फाइनल है। और अभी हमारे को जल्दी इसलिए भी नहीं थी कि हमारे लोग जो लड़ने वाले थे वो जमीन पे काम कर रहे थे। ये तो भाजपा को देखना है कि वो कई गुटों में बटी हुई पार्टी है, वो शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार मोदी जी कर रहा है, उनका नाम तक लेना पसंद नहीं कर रहा है, इतना उनसे उनको छूत लग की बीमारी लग रही है लगता है। 19 साल तो उनके नाम पे चुनाव लड़ते रहे, सरकार चलवाते रहे, अब स्टेज पे एक निर्वाचित प्रतिनिधि है आज मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम लेना भी मध्य प्रदेश का अपमान है। उन्होंने जो नाम नहीं लिया और अपने को बोलते मैं ओबीसी हूँ, अरे आप ओबीसियों का अपमान कर रहे हैं, आप दलितों का अपमान कर रहे हैं, आप महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, युवा खाली हाथ है कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप मोनी बाबा बने हुए हैं और गुस्सा मर जाता है तो उससे ट्वीट कर देते हैं। सांसद अनिल फिरोजिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, क्योंकि अब कांग्रेस ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है, अगर बीजेपी की रणनीति देखी जाए, सबका साथ सबका विकास या फिर ऑपरेशन लोटस, क्या हथियार रहने वाला है? एक जो कांग्रेस की सूची आई है उसमें इन्होंने जो लिस्ट दी है वही मैं देख रहा था, 144 लोगों को टिकट दिया है और हमको पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की और जनता पूर्ण बहुमत से चुनाव जिताएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जनता को पूर्ण विश्वास है, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। और जो मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि शिवराज जी के बारे में, तो शिवराज जी एक बड़े नेता है, मध्य प्रदेश का बड़ा नाम है, जन नायक है, बहनों के भाई है, बच्चियों के मामा है, मध्य प्रदेश के मुखिया के तौर पे दो दो तीन तीन सभाओं में उनको दरकिनार कर रहा है। मतलब आपने मान लिया कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता तो मान चुकी है। बोलिए अनिल जी। मैं बोलूं जी? बोलिए। कांग्रेस को तो अपनी चिंता करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ना ओबीसी का चेहरा कर रहे हैं। अगर आज मोदी जी ने ये नहीं बोला, मोदी जी ने वो नहीं बोला, आप तो मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में जा रही है, छत्तीसगढ़ में जा रही है और राजस्थान में जा रही है। आपके नेता को यही नहीं मालूम कि कौन सी सरकार के बारे में कह रहे हो, खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या हमारी सरकार जा रही है? और मोदी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में तो खुद ही एक्सेप्ट कर गए। अरे मोदी सरकार का जा रहे हैं, मान लिया भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दिन बता वो भी आ गया। आपका अपना टिकट की कोई गारंटी नहीं है। नेताओं ने बोला आप तब उनका नहीं निकला, हो गया मेरा तो कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज तो है ना, हम लोग कंफ्यूज तो नहीं है। हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में हमारे हमारे कद्दावर नेता है, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। एक सेकंड रुक जाइए अनिल जी, बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में परिवारवाद बीजेपी ने क्यों किया है? देखिए, वे ये हमारे यहाँ जो भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं, परिवार प्रदेश में कुछ जो जीतने वाला नहीं है ना, परिवारवाद के खिलाफ की आप बात करते हैं और दूसरी तरफ परिवारों के सदस्यों को टिकट दिया जा रहा है, तो परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी कैसे हुई? फिर आप कांग्रेस से सवाल क्यों कर सकते हैं, कांग्रेस पर सवाल क्यों उठा सकते हैं? देखिए, अभी मैंने छत्तीसगढ़ की मैंने दृष्टि नहीं देखी है, इसलिए मैं कुछ बताने में असमर्थ हूँ। मैंने मध्य प्रदेश नहीं, मैंने अभी मध्य प्रदेश की लिस्ट देखी है, भाजपा के सांसद हैं उज्जैन से,
मेरे को जितनी जानकारी लिस्ट अभी मध्य प्रदेश की जनता आपको अगले एक महीने में पूरे व्रतों से ज्यादा जो आपको टेंशन होने जा रहा है वो समझ आ रहा है आपको। मैं आपकी परिस्थितियां समझ सकता हूँ और आपने हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है, हमने जो विकास करे हैं हमने विकास करे जो कहा वो करके दिखा दिया। 370 धारा भी हटाई, नागरिक संशोधन बिल मिला, यहाँ तक कि हम तीन तलाक का भी बिल लेके आए, यहाँ तक कि हम 27 साल में पड़ा हुआ। सुनिए आप मेरी बात, पहले मेरी बात तो सुनिए प्लीज। आपने 3-4 साल में आपने जाके वहाँ 370 हटने के बाद जमीन ले ली, आपने घर बना लिया, वहाँ रहने चले गए। आप गए थे वहाँ, मैं गया वहाँ पे, हम गए थे, हमारी पूरी कमिटी गई थी, हम वहाँ पे जनता के बीच में गए, हमने वहाँ पे जनता की भावना समझी। ये कहा जाता है कि वहाँ खून की नदियाँ बह जाएगी, हो जाएगी, मैं की बात को कुछ माध्यम से मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, वो आप सुनो तो सही। बताइएगा, विवाद नहीं कर रहा भाई, 15 तारीख के बाद बताइए, जो आपकी जमीन खिसक गई है, सरकार जा रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, देश में भी। अरे राहुल गांधी जी को सुनो ना, वो कह रहे हैं कि वही कांग्रेस जा रही है। मेरा आपसे एक सवाल है मेरा आपसे, ये बताइए कि जब पिछली बार हमने देखा था कांग्रेस की सरकार बनी थी, एक सेकंड रुक जाइए, कांग्रेस की सरकार बनी थी और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार अगर रिजल्ट आता है कांग्रेस के हक में तो क्या उस रिजल्ट को स्वीकार करेंगे या फिर ऑपरेशन लोटस चलाएंगे? सवाल मेरा बस छोटा सा भाई। देखिए, हमने कोई सिंधिया जी आए तो सिंधिया जी ने जो वादे करे थे जनता के बीच में जाके, और सिंधिया जी ने जब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से बोला कि भाई उन्होंने बोला कि भाई आप तो सड़क पे आ जाओ, तो सिंधिया जी सड़क पे आए, तो कांग्रेस ने क्या उनका लेना, उनकी सरकार चली गई, हमारा क्या लेना देना सिंधिया जी का क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी अपने दोनों बेटों को अपने बेटों को सम्मिलित करने के लिए लगे हुए हैं। अनिल जी बोलिए, कमलनाथ जी अपने बेटे को स्टेब्लिश कर रहे हैं, कौन माने दिग्विजय सिंह अपने बेटे को स्टेब्लिश कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने माने सिंधिया जी को इग्नोर करा, इसके कारण सिंधिया जी भाजपा में आए और इनकी सरकार चली गई। इसमें हमने क्या करा, हम तो ये पूछना चाहते हैं, जो भी अभी 17 तारीख के बाद चेयरमैन बने हुए बताइए ना, 17 तारीख के बाद अरे आप परिवार की बात करते हैं, जिनका परिवार ही नहीं है वो परिवार की क्या बात करेंगे? जब रिजल्ट आएगा तो वो आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हो जाएगा ना, भाजपा के साथ नहीं है ये समझ लीजिए आप। आपको सच करंट नहीं मालूम जमीन का क्या है, आप लोग टीवी चैनल पे और एसी में और संसद में बैठ के सिर्फ कानून बना के मध्य प्रदेश और देश की जनता को ठगने का लूटने का काम कर रहे हैं। त्राई मैम, मेरा सर्वे आदि करा लो कि हम कहाँ पे रहते हैं। अरे आप देखो मेरी बात सुनिए, मानिए, चलिए मेरे साथ, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ मेरे क्षेत्र में आइए, मैं सांसद हूँ, मेरे क्षेत्र में आइए प्लीज। और यार जनता के बीच की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, एक शहर यार जी, क्योंकि सूची में भी इतनी देरी हुई है, भगवान महाकाल को भी लूट लिया, आपका भ्रष्टाचार का मॉडल क्या बताओगे आप शहर यार जी? बोलेंगे बाबा महाकाल को आपने ठगने से नहीं बाज आए, आप लोग कैसे भक्त हो, कैसे सनातनी हो, झूठे हो, पाखंडी हो? शहर यार जी, मुझे बस इतना बताइए कि सूची में इतनी देरी हुई है, क्या आपको लोटस ऑपरेशन का डर था? अगर नहीं डर था, क्योंकि पिछली बार की तरह भाजपा इस बार भी ऑपरेशन लोटस चलाती है, तो क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है, क्या इसकी कोई काट आपने रणनीति के तौर पर तैयार की है? देखिए, हमारी बदकिस्मती थी कि हमारे साथ से कुछ लोग जाके इनके हाथों बिक गए, उनकी परिवार का जो सिंधिया जी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो इसी तरह का है, उनके दादा हो, दादी हो, उनके पिताजी हो, सबने समय समय पे कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया है, तो इससे कोई वो नया काम नहीं करा, उनका जो चरित्र है उन्होंने दिखाया है, उनका जो चरित्र था, उनका जो बिजनेस के राइबरी थी, जो उनका सिंधिया हाउस है, ग्वालियर के जमीन का प्रभात झा का वो केस है, उसको बचाने के लिए उनकी सास का बड़ौदा का जो ईडी का मामला है, तो अमित शाह ने उनको डराया धमकाया और वो बिक गए। लेकिन अब जो हमने प्रत्याशी दिए हैं वो सब कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है और वो संघर्ष के साथ सरकार को हटाने जा रहा है, और निश्चित ही कांग्रेस की सरकार 5 साल चलेगी, भाजपा लोटस करे या हाथ का पंजा करे वो समझ आ जाएगा। इस बार ये पंजा इतना कस के पड़ेगा कि भाजपा मध्य प्रदेश से 25 साल के लिए दूर होने जा रही है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और देखना होगा इस